व्हाइट बोर्ड, जिसे मार्कर बोर्ड या ड्राई इरेज बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो पारंपरिक चॉक बोर्ड का एक नया रूप है। चॉक बोर्ड का उपयोग करते समय चॉक का डस्ट या धूल उड़ने के कारण कुछ लोगों को एलर्जी जैसे समस्याएं होती थी। इसके अलावा इन्हें साफ करना भी एक मुश्किल काम था। इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाने लगा, जो आज सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस और ऑफिसेस में पाया जाता है। इनके अलावा जिम्स, मीटिंग रूम्स और घरों में भी यह बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं। इसीलिए आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए व्हाइट बोर्ड बनाने के व्यवसाय पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं, जिसमें इस व्यवसाय को शुरू करने की जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। रॉ मटेरियल व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए मेलामाइन, पेंटेड और एनामेल्ड स्टील, एल्यूमिनियम कोटिंग मटेरियल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मशीन, यह व्यवसाय शुरू करने के लिए हमें स्टील कटिंग मशीन, हॉट ग्लू मशीन, रोलर्स, एल्यूमिनियम कटिंग मशीन, मैकेनिकल प्रेस मशीन, फिटिंग टूल्स एंड एक्सेसरीज, इन मशीन्स की आवश्यकता होती है। प्रोसेस, सबसे पहले सरफेस पर लगने वाले पोर्सलिन कोट किए स्टील को फैक्ट्री में लाया जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल होने के कारण रोल्स में रखे जाते हैं। इन रोल्स को कटिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां बोर्ड के डिजाइन में इनको कट किया जाता है। फिर इन्हें जरूरत के मुताबिक कार्डबोर्ड, इंसुलेशन बोर्ड, फाइबर बोर्ड इत्यादि के स्तर पर लगाया जाता है। इन बोर्ड्स को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन पर लगाकर कट किया जाता है, जो कि फाइनल बोर्ड्स का एग्जैक्ट साइज होता है। बोर्ड्स को हॉट ग्लू मशीन में से पास करके इनके पिछले सरफेसेस पर एडहेसिव या गोंद की परत लगाई जाती है। इस गोंद पर एल्यूमिनियम फॉइल को लगा के दो स्टील रोलर्स में से पास किया जाता है। इसी तरह इन बोर्ड्स की दूसरी तरफ पोर्सिलिन स्टील को लगाया जाता है और इसे भी गोंद लगाकर रोलर्स में से पास किया जाता है। ऐसे अनेक बोर्ड्स एक साथ रखकर मैकेनिकल प्रेस से दबाया जाता है। दूसरी तरफ बोर्ड्स को लगने वाली एल्यूमिनियम फ्रेम को मशीन के जरिए वी शेप में काटा जाता है, जो कोने से फोल्ड हो सके। यह फ्रेम्स नुकीली होने के कारण इनके चारों कोनों में प्लास्टिक के कवर्स लगाए जाते हैं। इन फ्रेम्स को बोर्ड में लगाने के लिए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैनुअली तरीके से करते हैं। इन बोर्ड्स को बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। इस प्रकार हमने व्हाइट बोर्ड बनाने के व्यवसाय की जानकारी ली। यदि आपको इस व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए दोनों वेबसाइट्स को भेज दें और नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।